कांग्रेस सरकार ने सार्वजनिक शासन पर ध्यान केंद्रित किया है, लोगों की समस्याओं के समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कलेक्टरों और एसपी को इस दिशा में निर्देश दिया। सीएम पद संभालने के बाद उन्होंने पहली बार कलेक्टर्स और एसपी के साथ बैठक की। यह सम्मेलन 100 दिनों में 6 वादों के कार्यान्वयन के लिए प्रशासन को तैयार करने के लिए आयोजित किया गया था। बैठक का मुख्य एजेंडा शासन को जनता तक पहुंचाना था। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क के अलावा विभिन्न विभागों के मंत्री, सचिव और संबंधित अधिकारी भी शामिल हुए। भारत के 10 वर्ष के शासन तथा समस्याओं के समाधान हेतु किए जाने वाले उपाय पर चर्चा हुई। प्रजावाणी को जिला, संभाग, मंडल और ग्राम मुख्यालयों में सशस्त्र ढंग से व्यवस्थित करने के लिए की जाने वाली गतिविधियों की जानकारी कलेक्टर से दी गई। 6 गारंटियों के क्रियान्वयन पर स्पष्ट निर्देश दिए गए। तेलंगाना के मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि अगर अधिकारी समझदारी से काम ले तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। उन्होंने साफ कर दिया कि राज्य में चाहे कहीं भी हो, रिश्वत लेकर पालुर में पोस्टिंग नहीं दी जाएगी। अधिकारियों को रिश्वत की उम्मीद किए बिना लोगों के लिए काम करने की सलाह भी दी। उन्होंने कहा कि किसी भी अधिकारी का तबादला नहीं किया जाएगा, वे तरीका बदल कर अपने कर्तव्यों का पालन करें। उन्होंने चेतावनी दी कि उनके प्रशासन में कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अकुनुरी मुरली ने आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर शासक नहीं निरंकुश थे। उन्होंने कहा कि केसीआर का शासन खत्म हो गया है। उन्होंने राज्य, वित्त, शिक्षा, टीएसपीएससी, ग्राम प्रशासन सब कुछ नष्ट करने का आरोप लगाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि केसीआर ने नए कलेक्टरों को रियल एस्टेट एजेंट में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि जो लोग ज़्यादा भ्रष्टाचार करते थे उन्हें प्रमोशन देकर हैदराबाद में बिठाया जाता है। कहा जाता है कि भारत विकसित देशों में से अधिक संसाधनों वाला देश है। अकुनरी मुरली ने केसीआर पर राज्य को कई तरह से लूटने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केसीआर ने राजनीति और भ्रष्टाचार किया। उन्होंने कहा कि वे ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारों से तेलंगाना को बचाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि केसीआर के शासनकाल में हर विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त था। जेएसी अध्यक्ष गजला कांतम ने विधायकों को चेतावनी दी कि अगर वे दलितों का अपमान करते हैं तो वे चुप नहीं बैठेंगे। गजला कांतम ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान एमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने विधानसभा में दलित विधायकों को लेकर जिस तरह टीका टिप्पणी की है उसका हम खंडन करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे में इस मुद्दे को कानून बनाने पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने अकबरुद्दीन को संबोधित करते हुए कहा कि हमें आपकी पार्टी का इतिहास नहीं पता। उन्होंने कहा कि यह विडंबना है कि आप कभी बीआरएस और कभी भाजपा के एजेंट के रूप में काम करते हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि तेलंगाना में फिलहाल जो है वह कुलीनों का शासन नहीं है, लेकिन अगर आप जनता के शासन की बात करेंगे तो आपको उसी स्तर के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उन्होंने दलित बरदुका के कमज़ोर वर्ग के नेताओं के साथ दुर्व्यवहार किया तो उनके घर का भी घेरावा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केसीआर का 10 साल का शासन तेलंगाना में सबसे काला दिन था। उन्होंने कहा कि केसीआर को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। उन्होंने कहा कि बीआरएस सरकार जिसने निज़ाम नवाब की तरह अराजक शासन जारी रखा उसी के कारण बीआरएस को हार का सामना करना पड़ा। एमआईएम जिसने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान तेलंगाना आंदोलन में भाग नहीं लिया था अराजकता को बढ़ावा देने का काम किया। उन्होंने चेतावनी दी कि एमआईएम पार्टी जो भाजपा के साथ अप्रत्यक्ष रूप से गठबंधन में है, जो दलित समुदाय के कमजोर वर्गों पर अत्याचार कर रही है। ट्रस्ट तेलंगाना ने अपनी दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर जीएचएमसी मैदान खैरताबाद में एक मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। ट्रस्ट के सदस्यों ने बताया कि श्री श्री गुरु विश्व की प्रेरणा से मानवता रक्षित के सूत्र वाक्य के साथ आयोजित होने वाले इस चिकित्सा शिविर में वे एलोपैथिक चिकित्सा के साथ साथ प्राचीन योग और ध्यान जैसी पद्धतियों भी उपलब्ध करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मानवता के स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन के तरीके को बदलना चाहिए और मानवीय दृष्टिकोण और स्वास्थ्य की भावना के साथ स्वस्थ रहने का प्रयास करना चाहिए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में खैरताबाद विधायक दानम नागेंद्र और दिवंगत पूर्व खैरताबाद विधायक पी जनार्दन रेड्डी की बेटी विजया रेड्डी शामिल हुई। साइबराबाद सीपी अविनाश महंती ने कहा कि हैदराबाद को नशा मुक्त शहर बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि साइबराबाद कमिश्नरेट के अधिकार क्षेत्र में अधिक वित्तीय और रियल स्टेट अपराध दर्ज किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले साल के मुकाबले इस वर्ष ज्यादा आपराधिक मामला दर्ज किए गए हैं। उन्होंने अधिकारियों को निष्पक्षता से काम करने की सलाह दी। बताया जा रहा है कि शहर में ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए एक योजना तैयार की जा रही है। आंध्र प्रदेश की राजनीति अब एक नया मोड़ लेती नजर आ रही है। चंद्रबाबू और प्रशांत किशोर की मुलाकात पर बीजेपी के राज्यसभा सदस्य GVL नरसिम्हा राव ने दिलचस्प टिप्पणी की। अगर चंद्रबाबू और प्रशांत किशोर मिलते हैं तो इससे बीजेपी का क्या लेना देना है? चंद्रबाबू को प्रशांत किशोर के साथ बैठक के बारे में बताना चाहिए, यदि नहीं तो इस बैठक में शामिल हुए प्रशांत किशोर को बताना चाहिए। इस मुलाकात पर बीजेपी को टिप्पणी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने टीवी पर देखा कि प्रशांत किशोर ने कहा कि यह एक औपचारिक मुलाकात थी, यह ऐसा मामला नहीं है जिस पर हमें विचार करना चाहिए। राजनीति में कई लोग एक दूसरे से मिलते हैं, बेहतर होगा कि TDP बताएं कि प्रशांत किशोर चंद्रबाबू से क्यों मिले। GVL ने स्पष्ट किया कि हमें इस पर प्रतिक्रिया नहीं देनी है। तेलंगाना भवन में क्रिसमस का भव्य आयोजन किया गया। BRS के कार्यकारी अध्यक्ष KTR ने केक काटा और समारोह मनाया। इस मौके पर KTR ने ईसाई भाई बहनों को बधाई दी। इन समारोह में बड़ी संख्या में BRS नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। पूरी दुनिया में मनाए जाने वाले त्यौहार क्रिसमस समारोह में पूर्व मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव शामिल हुए। तलसानी ने पश्चिम मारेटपल्ली में अपने आवास पर ईसाई गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में क्रिसमस मनाया। सनत नगर विधायक तलसानी श्रीनिवास यादव, जिन्होंने क्रिसमस समारोह के हिस्से के रूप में केक काटा, प्रार्थना में शामिल हुए। इस अवसर पर तलसानी विधायक श्रीनिवास यादव को चर्च के पादरियों ने आशीर्वाद दिया। बोधन विधायक सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि पिछली सरकार के शासनकाल में सिंचाई व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई थी। उन्होंने निजामाबाद जिले के नवीपेट मंडल के कोसली में अली सागर लिफ्ट के माध्यम से याजगी फसलों के लिए पानी छोड़ा। इससे पूरे मोहल्ले में हंगामा मच गया। निशुल्क दर्शन के लिए 2 घंटे और विशेष दर्शन के लिए 1 घंटा। श्रद्धालुओं की भारी संख्या के कारण प्रसाद बिक्री हॉल, विष्णु पुष्करणी, पार्किंग घाट और बस स्टैंड परिसर में भीड़ रही। पटानचेरु विधायक गुडे महिपाल रेड्डी नेपाल दौरे पर है। उन्होंने स्थानीय मुख्यमंत्री सरोज कुमार यादव के साथ सीता देवी की जन्मस्थली जनकपुर जानकी माता मंदिर का दौरा किया। अधिकारियों को सोसाइटी के माध्यम से किसानों को खाद उपलब्ध कराने की सलाह दी गई। रंगारेड्डी जिला राजेंद्र नगर सर्कल के अप्परपल्ली में ICBM स्कूल ऑफ बिजनेस एक्सेलेंस ने 16वें दीक्षांत समारोह 2021-2023 का आयोजन किया। तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम के MDVC सज्जना ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस मौके पर मंदिर में विशेष पूजा की गई। बाद में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, मंदिर समिति के सदस्यों ने विधायक को सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में अमीन पुअर, ZPTC सुधाकर रेड्डी, पूर्व MPP यादगिरी यादव, श्री शैलम यादव, वरिष्ठ नेता वेंकट रेड्डी, दशरथ रेड्डी, पांडु राजू और अन्य ने भाग लिया। यदाद्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। लगातार छुट्टियां होने के कारण बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की कतार लगी रही। उन्होंने कहा कि सौर सांस्कृतिक नृत्य से शुरू हुए कार्यक्रम में सभी को प्रभावित किया। उन्होंने पुलिस विभाग के बाद सड़क परिवहन में काम करने का अपना अनुभव विद्यार्थियों के साथ साझा किया। इस कॉलेज में विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में स्नातकोत्तर उत्तीर्ण करने वाले टॉपर्स को VC सज्जनार के हाथों पुरस्कार दिया गया और पास आउट हुए अन्य सभी विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए। मूसी नदी पर मुसरामबाग फ्लाईओवर के निर्माण के कारण मार्ग अस्थायी रूप से बंद है। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने खुलासा किया है कि इस आदेश में यातायात प्रतिबंध लागू किए जाएंगे। अंबरपेट से मुसरामबाग फ्लाईओवर के माध्यम से मलकपेट TV टावर की ओर जाने वाले सभी नियमित वाहन, भारी वाहन, RTC बसों को अली कैफेक्स रोड पर जिंदा तिलिस्मत, गोलनाका न्यू ब्रिज, हाईटेक फंक्शन हॉल, अफजल नगर की ओर मोड़ दिया जाएगा। पुलिस ने कहा वहां से इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर दाएं मुड़े और पिस्ता हाउस और मुसरामबाग जंक्शन की ओर जाए। पुलिस ने वाहन चालकों से यातायात बाधित किए बिना दूसरे रास्तों से होकर सहयोग करने को कहा। जुबलीज पुलिस ने कुख्यात अंतर्राज्य लुटेरे को पकड़ा है। DI वीरशेखर और DSE राजशेखर के विवरण के अनुसार बिहार के गढ़ा के पास जोगिया गांव का रहने वाला
मोहम्मद इरफान उर्फ रॉबिन हुड उजल इस महीने की 8 तारीख को हैदराबाद के लकड़ी का पुल में मैरिडियन गोल्ड लॉज में उतरा। जुबलीस रोड नंबर 45 पर एक फिल्म स्टार के घर के पास रेकी करने के बाद वह जुबलीस की एमएलए कॉलोनी गए क्योंकि वह चोरी करने का कोई मौका नहीं था। बाद में वह एक निजी कर्मचारी ध्रुव अनुरान रेड्डी के घर में घुसकर 5 लाख रुपए की रुद्राक्ष के साथ सोने की चेन चुरा ली और मुंबई भाग गया। हालांकि पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक की लेकिन हमलावर का पता नहीं चल सका। वेंकटगिरी इलाके के सीसीटीवी कैमरे में हमलावर के निशान मिले। यह जानने के बाद कि वह शहर वापस आ गया है और मेरिडियन गोल्डन लॉज में रुका है, पुलिस ने उसे शुक्रवार को यूसुफ घोड़ा चेक पोस्ट पर पकड़ लिया।